हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एंड द लेक्चर ऑफ योर दिस थर्ड यूनिट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. ओके, सो लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था आपका बेसिक, कुछ मैं आपको प्रीवियस एलिमेंट की कैसे, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, हिस्ट्री वगैरह डिस्कस कर रहे थे हम. देन हमने बहुत सारे अलग अलग लॉज डिस्कस किए, लॉ ऑफ ट्राइड्स एंड देन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वी हैव डिस्कस्ड. देन हमने आपका इसके बारे में भी डिस्कस किया है, डोब्रिनर एंड मेंडलीव के मॉडल के बारे में भी, एंड आपका लूथर के बारे में भी हमने, मॉडल के बारे में भी डिस्कस किया हमने, राइट. एंड इसका जो क्रेडिट था बेसिकली पीरियोडिक टेबल का, वो लूथर को नहीं, डोब्रिनर को, मेंडलीव को जाता है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे कुछ कुछ प्रेडिक्शन कर रखे थे जो कि आगे चल के सही हुए, जैसे कि हमारा एका एल्युमिनियम, एका सिलिकन, ये सब जो उनके प्रेडिक्शंस थे वो सही हुए, तो जिसकी वजह से उनका मॉडल क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, और हाँ इसलिए उनके ही मॉडल को हम अभी भी अप्लाई करते हैं, और अभी भी उसी के बेसिस पे हमारा पीरियोडिक टेबल बना है, ठीक है. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट टिल हेयर हमने कंप्लीट किया था, और वी हैव अ जस्ट ग्लांस ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये उनका पीरियोडिक टेबल था जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था पहले, तो ये उनका पीरियोडिक टेबल था. अब हम कुछ कुछ न्यू एडवांसमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें ऐड हुए थे, ठीक है. तो जब सबसे पहली चीज इसमें ऐड हुई थी ये, अब जो आपका, ये तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, अब जो मॉडर्न, ये कुछ मेंडलीव के बारे में हिस्टोरिकल डेटा है जो आप खुद चाहें तो पढ़ सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से, ठीक है. अब जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं. यहां पर क्या लिखा हुआ है, यस आई थिंक नाउ इट इज विजिबल. इट इज रिटन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है. देखिए, जो हमारा अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके आइडिया पे बेस्ड है, वो बेसिकली आइडिया पे बेस्ड है, हमारे मेंडलीव के आइडिया पे बेस्ड है, ठीक है. उनके ही आइडिया पे बेस्ड होके हमारा पीरियोडिक टेबल है. तो इसी पीरियोडिक टेबल को और एनहेंस किया और उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, ठीक है. तो वो कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीजें देखी गई, वो सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो क्या लिखा है यहाँ पर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट, वी मस्ट बियर इन माइंड दैट व्हेन मेंडलीव डेवलप हिज पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. हाँ, एक चीज जो हमको ध्यान में रखनी है, जब साइंटिस्ट जो ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, तब हमारे दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं था अबाउट व्हाट, कि एटम के अंदर एटम इज मेड अप ऑफ व्हाट, एक एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम के अंदर सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बाद में डिस्कवर हुआ. तो जब ये पीरियोडिक टेबल, ये पहले ही शुरू हो चुका था, ठीक है. तो जब हम इस पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग को ये पता ही नहीं था उस समय, साइंटिस्ट लोगों को पता ही नहीं था कि एटम के अंदर भी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर होता है क्या. उस समय हमको कुछ नहीं पता था कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज ऑल्सो देयर, ठीक है. हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी विटनेसेस प्रोफाउंड डेवलपमेंट इन थ्योरीज अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है. अब क्या बोला है, बिगिनिंग 20th सेंचुरी की बिगिनिंग विटनेसेस प्रोफाउंड डेवलपमेंट इन थ्योरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. अब हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल आपकी लेट 90s में स्टार्ट हो गई थी डेवलपमेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो कब स्टार्ट हो गई थी, बिगिनिंग, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस 20th सेंचुरी, ठीक है. मैं आपका ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए थे थ्योरीज बहुत सारे जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कशन था. इन 1913 द इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मॉस्ले ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट. कितने पे, 1913 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट नहीं, ठीक है, हेनरी मॉस्ले. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक रेगुलरिटी मतलब एक तरह का पैटर्न ऑब्जर्व किया, किसमें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के एक्स रे, जो एक्स रे जब एलिमेंट से पास होगी तो वो एक स्पेक्ट्रम देगी, राइट. तो वो स्पेक्ट्रम के पैटर्न में उन्होंने एक रेगुलरिटी ऑब्जर्व की, ठीक है. अ प्लॉट ऑफ दिस इज व्हाट, न्यू इज व्हाट, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड, जो एक्सरे एमिट हो जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है ये न्यू, ठीक है. तो अ प्लॉट ऑफ व्हाट, न्यू, वेयर न्यू इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट ऑफ न्यू रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास. और जो ये हेनरी मॉस्ले ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जब ये
1913 में कुछ स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज देखी कि एक्सरे जो स्पेक्ट्रा है हर एलिमेंट्स का, जब एक्सरे पास होती है एक एलिमेंट से तो एक स्पेक्ट्रा देती है, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम देती है। तो वो जो स्पेक्ट्रा है उसमें कुछ, उसके पैटर्न में कुछ रेगुलरिटीज है, एक करेक्टरिस्टिक रेगुलरिटी दिखी उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लॉट डाला। प्लॉट मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, प्लॉट मीन्स वॉट, यस प्लॉट मीन्स एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस पे डाला और वाई एक्सिस पे डाला। आई मेक यू अंडरस्टैंड विद दिस व्हाट आई एम थिंकिंग, लाइक वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर आल्सो, मे बी आई हैव डिस्कस्ड, आई डोंट रिमेंबर, बट ओके लेट इट बी, ओके लेट इट बी, वी हैव डिस्कस्ड देन आल्सो, इट्स फाइन। तो उन्होंने क्या किया, रेगुलरिटी ऑब्जर्व की, ठीक है, रेगुलरिटी पैटर्न में ऑब्जर्व की। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू को किसको, इसको रूट ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम उसको जब हम वन सेकेंड हाँ उसको जब हम एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो वही लिखा है, जब उन्होंने क्या किया, प्लॉट किया किसका, रूट ओवर न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे जो एमिट हो जा रही है, ठीक है, अगेंस्ट किसके, एटॉमिक नंबर के, ठीक है, और वो क्या दे रही थी, वो एक स्ट्रेट लाइन दे रही थी। एंड इसी चीज को उन्होंने क्या किया, रूट ओवर को एटॉमिक मास के साथ किया, पर ये एटॉमिक मास वाला स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा था, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा था। तो यहां पे क्या लिखा है, अगेंस्ट नंबर ऑफ गिव स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट ऑफ रूट ओवर न्यू वर्सेस एटॉमिक मास। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हियर ही देयर बाय शोड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल। और उन्होंने क्या कहा कि जब हम प्लॉट कर रहे हैं रूट ओवर न्यू का विद एटॉमिक नंबर तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमको, ठीक है, बट जब हम वही रूट ओवर न्यू को हम जब लेबल कर रहे हैं, मतलब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जब हम प्लॉट कर रहे हैं किससे, हम प्लॉट कर रहे हैं एटॉमिक मास से, तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कंक्लूड किया, जो पहले साइंटिस्ट एटॉमिक मास मान रहे थे, उन्होंने कहा कि इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ वॉज देयर फॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई। और जो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ था, ठीक है, मेंडेलीव के जो पीरियोडिक लॉ था उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, एंड इट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उन्होंने मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाइड कर दिया और क्या कहा, उसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला, अपने नाम पे नहीं रख दिया, ठीक है, मॉस्ले, हेनरी मॉस्ले नाम पे नहीं रख दिया उन्होंने, उसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कह दिया, ठीक है। एंड उसका स्टेटमेंट क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वहां पर पहले क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, दे आर वॉट, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ वॉट, एटॉमिक, बेसिकली एटॉमिक मासेस, उन्होंने ये कहा था, यहां पर मासेस था, बट इन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाइड कर दिया और बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो बेसिकली क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है, वॉट दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, किसका है, नॉट एटॉमिक मासेस, सॉरी एटॉमिक नंबर। और ये ज्यादा करेक्ट हुआ क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया था किससे, प्लॉट से, रूट ओवर न्यू का प्लॉट एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए उन्होंने मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ में चेंजेस कर दिया, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर डाल दिया, ठीक है। बेसिकली फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड किस पे करती है, आपके पीरियोडिक नंबर पे, वो बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है किसका, आपके पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर का, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, The periodic law revealed important analogies among the 94 natural occurring elements. ठीक है, जो periodic law था वो basically एक तरह की analogy provide, analogy मतलब similarities, among 94 naturally occurring elements like neptunium, plutonium,
लाइक एक्टिनियम एंड प्रोएक्टिनियम आर फाउंड इन बिच प्लांट एंड ओर ऑफ यूरेनियम. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है. सिमिलरिटीज शो करते थे. इट इज स्टिमुलेटेड रिन्यूड इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हैज कैरीड इन टू द प्रेजेंट विद द क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस शॉर्ट लाइव एलिमेंट्स, ठीक है. और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हुए जिसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया बट उनकी जो लाइफ थी वो शॉर्ट लाइफ थी, ठीक है. अब क्या लिखा है, यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज. हमने आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका सेकेंड यूनिट था उसमें पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, इट्स इक्वल टू व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज. क्या होता है वो, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस का चार्ज होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है. जेड बोलते हैं ना, जेड, वो बेसिकली न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहता है, प्लस ई, राइट. तो वैसे ही आपका एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या, आपका ई जेड की वैल्यू बताता है. तो इसलिए ये बेसिकली इक्वल टू व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो आपका एटॉमिक नंबर Z is equals to number of proton and number of proton is what? It is the charge in the nucleus because proton ही positive charge होता है nucleus में. तो I think ये clear हो गया होगा. Now क्या लिखा है? हाँ, यहाँ पे लिखा था, you may recall that atomic number is equal to the nuclear charge. Atomic number जो होता है वो equal होता है किसके, nuclear charge के, means number of proton के और the number of electron in a neutral atom. और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम किसी भी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है. इट इज देन इजी टू विजुअलाइज, क्या है, इट इजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिसिटी एंड एलिमेंट. और इसी के साथ हम लोग इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं किसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे क्वांटम नंबर का एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट. बहुत सारा सिग्निफिकेंस है ये पीरियोडिक टेबल की वजह से, तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए, कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन किसका वैरी करेगा, और फिर हम शेल्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद, हर किसी का कॉन्फ़िगरेशन याद करना, अचानक से मैं किसी भी एलिमेंट बोल दूंगा उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल इट बिकम्स सो ईजी, राइट. तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी बस ऐसी समझ लीजिए कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है. अब क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंसेस वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक periodicity. In fact, it is recognized that the periodic law is essential for the consequences of periodic variation in this electronic configuration. जो period के variation होते हैं, एक period then second period, जो उसके लिए भी आपका periodic law, जो आपका periodic table है वो बहुत जरूरी था, ठीक है. Which indeed determine the physical and chemical properties of element and their compound. And उसी के हिसाब से जो physical and chemical properties भी तो change होती है compound की, right? हम बोलते हैं ना left right in a period electronegativity increase हो रही है, decrease हो रही है. अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो then it's totally fine. ठीक है, हम आगे चलकर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे. बस ये जान लीजिए, बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड हो गए, एंड वो जो एलिमेंट्स ग्रुप और पीरियड में डिवाइड हो गए, वो ग्रुप एंड पीरियड में डिवाइड होने की वजह से ही उनकी सेवरल प्रॉपर्टीज आई, और उनके पास जो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमको पता चल गई. एक एलिमेंट के बारे में जानते हैं, अगर मान लो वो ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट हम जानते हैं, तो सिमिलरिटी होगी सारे एलिमेंट्स में, तो हम सब किसी का पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये बेसिकली एलिमेंट ऐसे तरह का नेचर शो करता है, ठीक है. तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है, सब हम आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. आई थिंक यहाँ पर ट्रिमेंडस होना चाहिए, ठीक है, ट्रिमेंडस होना चाहिए, यहाँ पर मिट चुका है, पर आई थिंक इट विल बी ट्रिमेंडस, ठीक है. ट्रिमेंडस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन न्यूमरस, आई थिंक इट विल बी न्यूमरस, न्यूमरस, ओके, न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइस्ड. बहुत सारे टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल बने, ठीक है, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बने फ्रॉम टाइम टू टाइम. सम फॉर्म्स इम्फेसिस केमिकल रिएक्शंस एंड वैलेंसी, कुछ ऐसे फॉर्म बने जहां पर जो ज्यादातर जोर किस पे दे रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड वैलेंसीज पे, वेयर एज अदर स्ट्रेसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. और कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ किस पे स्ट्रेस कर रहे थे, वो स्ट्रेस कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पे स्ट्रेस कर रहे थे. ए मॉडर्न वर्जन द सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं द मॉडर्न, और उसको बोला जाता है क्या, लॉन्ग वर्ड, लॉन्ग फॉर्म, जो हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं ऑफ एलिमेंट इज वॉट, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वॉट एंड वाइडली यूज. और यही वाला जो पीरियोडिक टेबल है बहुत कन्वीनियंट है और वाइडली यूज भी होता है. उसमें क्या होता है, आपके जो हॉरिजेंटल रोज, जो हॉरिजेंटल रोज ऐसे ऐसे जो होते हैं, ऐसे 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 रोज, ठीक है, रोज को क्या बोला जाता है, उसमें उनको मेंडलीव ने कहा था सीरीज, मैंने बताया था आपको कल ही नेक्स्ट क्लास में, क्लास क्लास में बताया था मैंने आपको कि जो रोज मेंडलीव के हिसाब से वो सीरीज थे, बट उनको न्यू पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया, उनको पीरियड्स कहा गया. एंड द वर्टिकल कॉलम्स, जो सीधे सीधे ऐसी कॉलम थी, उनको क्या कहा गया, कॉलम को, उनको कहा गया ग्रुप्स, ठीक है, उनको कहा गया ग्रुप, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट चीज लिखी हुई है,
एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम। अब क्या बोला उन्होंने, एटम के जो भी सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, शेल नंबर छोड़ दो, शेल डिफरेंट हो सकती है, इसकी शेल डिफरेंट हो सकती है, इसकी शेल डिफरेंट हो सकती है, ये दूसरी शेल में हो सकता है, ये तीसरी शेल में हो सकता है, बट जो एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मोस्टली सिमिलर रहेंगी और उनका कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बस सेल का डिफरेंस होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट और सेम ही रहेगा। जैसे मान लो यहां पर होगा 2s2 2p6 तो दूसरी सेल में होगा 3s2 3p6, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेगा बट आउटर मोस्ट सेल का नंबर बदलता जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, नाउ इन देयर एटम आर अरेंज वर्टिकल कॉलम रेफर्ड एज ग्रुप और फैमिलीज। ठीक है, सो एलिमेंट्स सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक, जो एलिमेंट्स का सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देयर एटम आर अरेंज इन वर्टिकल कॉलम। ठीक है, और उनको बोला जाता है ग्रुप, और वी कैन से फैमिली भी बोल सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC पता होगा आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, द ग्रुप आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 रिप्लेसिंग। पहले जो ग्रुप असाइन थे वो कैसे रिप्लेस करते थे, हम रोमन नंबर में, जैसे रोमन नंबर में 1A, 2A, 3A, 4A, 7A, 8IB ऐसा रिप्रेजेंट करते थे, बट जो IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बेसिकली एक ऐसा स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली जो कि हर चीज केमिस्ट्री के आपके केमिकल नेम सब कुछ यही डिसाइड करता है, और ऐसे डिसाइड करता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को वैसे ही जानेंगे। अगर हम कोई इंडिया में हम अलग बोलेंगे, US में अलग बोलेंगे, रशिया में अलग बोलेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हम इन वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनली हम कैसे किस कंपाउंड के बारे में बात करें, नोबडीज नोस। और इवन पीरियोडिक टेबल के भी हम किस एलिमेंट की बात करें, किस ग्रुप के एलिमेंट की बात करें, कौन से पीरियड के एलिमेंट की बात करें, वो सब अननोन रहेगा। तो IUPAC ने क्या डिसाइड किया, हम जो ग्रुप का नंबर रखेंगे 1 to 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 18 तक रखेंगे। ठीक है, ऐसा सिस्टम नहीं रखेंगे 1A, 2A ऐसा नहीं रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट, देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं टोटल, देयर आर 7 पीरियड्स। द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो पीरियड है वो आपका 1 to 7 के बीच में होता है, 1 से स्टार्ट होता है, देन 7 तक जाता है, पीरियड 7 होते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, और बेसिकली वो जो पीरियड है वही बेसिकली आपका क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, n की जितनी वैल्यू होगी वही बताएगा, जैसे फर्स्ट शेल है n, सबसे पहला पीरियड वो n की वैल्यू 1, देन सेकेंड 2, 3, 4, तो वो बेसिकली n की वैल्यू बताता है, क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताता है। ठीक है, अब क्या बोला है, हाँ, द फर्स्ट पीरियड कंटेन टू एलिमेंट, जो फर्स्ट पीरियड होता है, जो सबसे पहला पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, अभी मैं दिखाऊंगी आपको पीरियोडिक टेबल और अच्छे समझाऊंगी, जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जो फर्स्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम रहता है। ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट, उसके बाद जो पीरियड्स होते हैं उसमें 8, 8, 18, 18, 32, कितने होते हैं 8, 8, 2 बार 8, 8, then 18, 18, and then 32, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इतने होते हैं। द सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट, जो सातवां पीरियड है, ये सिक्स तक मैंने बताया। ठीक है, देखो दो, सबसे पहले में 2, देन दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, छठवे में 32, एंड जो चौथा वाला है, जो छठा वाला है, ठीक है, सेवंथ जो है, सॉरी नॉट छठा वाला, जो सातवां है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, एंड लाइक द सिक्स्थ पीरियड वुड हैव अ थियोरेटिकल मैक्सिमम। और उसके बाद जैसे सिक्स पीरियड का भी कोई मैक्सिमम है, वैसे इसका भी एक थियोरेटिकल मैक्सिमम है जो कि बेस्ड होता है क्वांटम नंबर पे। ठीक है, और हम बोलते हैं बेसिकली इसमें भी शायद 32 एलिमेंट्स ही रहेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन द सेपरेट पैनल एट द बॉटम। और जो हमारा पीरियोडिक टेबल है 14 एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, बोथ किससे, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, जो आपका पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन दिस फॉर्म द पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड, 14th जो 14 एलिमेंट, बहुत सारे 14 एलिमेंट होते हैं, देखो मैं बताती हूँ, पीरियड होता है आपका, अभी मैं बताऊंगी, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड में बीच में आपका एक्टिनाइट और लैंथेनाइट आता है, सो जहां से वो एक्टिनाइट स्टार्ट होता है वहां से 14 एलिमेंट, और जहां से एक्टिनाइट स्टार्ट होता है वो दोनों से मिला के आपके 14 एलिमेंट्स जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट पैनल एट द बॉटम, बॉटम में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है,
तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बात। तो एक बार मैं आपको जो न्यू पीरियोडिक टेबल है वो दिखा देती हूँ, उसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, अभी अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल ये है आपका, आपके ये होते हैं ग्रुप्स, ठीक है, ये ग्रुप्स होते हैं, ये जो कॉलम कॉलम आपके ग्रुप्स हैं, ये जो होते हैं ये आपके ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये आपके पीरियड्स होते हैं, रो रो होता है ना, हमको पता है ना, ये होता है, ये होता है आपका कॉलम और ये होता है आपका रो, ठीक है, ऐसे जा रहा है रो। तो ये 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6, कितना 6। तो अब देखो यहां पर कितने एलिमेंट है, 1 2, हाँ सबसे पहला यहां पर आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां दे रखा है, यूजुअली यहां पे दे सकते हैं। तो सबसे पहला पीरियड, ठीक है, देखो ये 1 ये 2, यहां पर कितने एलिमेंट हुए, 2, फर्स्ट पीरियड में 2, देन सेकंड पीरियड, ये है आपका सेकंड पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए, क्लियर हुआ। 1 मिनट स्टूडेंट्स, यस, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, यस, सो या, सो 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। यहां पर ये 1 था, ये 2, ये फर्स्ट पीरियड था, यहां पर 2 एलिमेंट्स, ठीक है, यहां पर सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। नाउ थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 होते हैं, ठीक है, इसमें भी ये इसका है, ठीक है, और ये इसका है। एंड देन इसमें देखो ये आपका फोर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने, इसमें 8 एलिमेंट हो गए। सेम इसमें भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें भी 18 हो गए। अब किसकी, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये सिक्स्थ और सेवन्थ आपको यहां दिख रहा है लेंथनाइट, ये एक्टिनाइट, ये जो लेंथनाइट एंड एक्टिनाइट, ये 57 से लेके 71, यहां पे देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो लेंथनाइट है यहां 57 से लेंथनाइट स्टार्ट होता है, ये लेंथनाइट सीरीज के बाद आता है आपका 58, 58 से 71 ये जो है, ये देखो यहां पे हम 57 तक ही लिखते हैं, बट ये 57 के बाद 57 ये स्टार दे दिया है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट, यहाँ पे 72 आ रहा है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही किसी से भी, ठीक है, इसको इसलिए अलग से, ये जितने भी एलिमेंट हैं इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही, इसलिए इसको यहां पर नहीं डाला, ठीक है, इसको इसलिए इसको यहां पर 72 पे नहीं डाला, इसके लिए अलग से ग्रुप बना लिया, क्या किया, इसको स्टार दे दिया, यहां से 58 से 71 तक एक ग्रुप बन गया और इसको बोला गया लेंथनॉइड्स, क्या बोला गया इसको, लेंथनॉइड्स, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी इन सबकी। एंड देन ये पूरा चला आपका कितना तक, इसमें टोटल कितने हो गए, 14 हो गए, एंड 14 एंड 10 कितने हो गए आपके, 14 और 10, ये यहाँ पे 10 एंड 18 है, 14, देन 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, इसको इंक्लूड करके 34 कितने हो गए यहाँ पर, 34। सिमिलरली ये अभी भी अननोन है, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी नोन नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी भी इसमें नोन नहीं है, बट भी अप्रोक्सीमेटली हम यही मानते हैं कि इसमें भी 34 होंगे, ठीक है। देखो एक्टिनाइट, ये एसी है, ये एक्टिनाइट है, एक्टिनाइट की जो भी सीरीज है यहां से लिख दी, कितने 90 89 89 से 90 103 103 तक, और यहाँ पे 104 218, ये सारी चीजें अभी तक नोन नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी क्या क्या नोन है क्या क्या नोन नहीं है, ठीक है, तो कुछ कुछ नोन नहीं है स्टिल, अभी इसमें बहुत सारे रिसर्च करना बाकी है जो लास्ट 7 पीरियड है, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली 6 से कंपेयर करके इसको भी 34 ही मानते हैं। तो जो सबसे पहला पीरियड है उसमें 2 आपके होते हैं एलिमेंट, सेकंड वाले में 8 होते हैं एलिमेंट, थर्ड वाले में भी आपके कितने एलिमेंट है, 8 है, फोर्थ वाले में आपके 18 एलिमेंट है, फिफ्थ वाले में आपके 18 एलिमेंट है, सिक्स वाले में आपके 34 एलिमेंट है, एंड सेवन्थ में भी अप्रोक्सीमेटली आपके 34 एलिमेंट होंगे। और ये चीज याद रखनी है, 56 57 पे आपका लेंथनाइट होता है, एंड 58 से आपकी लेंथनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, 58 टू 71, एंड 89 पे आपका एक्टिनाइट होता है, ठीक है, 89 पे आपका एक्टिनाइट होता है, और ये सीरीज जो स्टार्ट हो जाती है किससे हो जाती है, 90 से कहां तक, 103 तक, ठीक है। सो 90 से 58 से 71 याद रखना, ये आपका लेंथनाइट सीरीज है, एंड 90 से 103 आपका एक्टिनाइट सीरीज है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी क्या फॉर्मूला होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है।
नाउ अब हम जो पीरियड का हमने डिस्कस कर लिया, देखो यहाँ पे नंबर भी दे रखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राइट। अब हम ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखो ये तो मेंडेलीव के हिसाब से दे रखा है, ये 1A, 2A, 3A ऐसा लिख रखा है, पर हमने IUPAC के हिसाब से क्या देखना है हमको 1 to 4, IUPAC के हिसाब से हमको 1 to 18 देखना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये आपको देखो 1IA, ये 1A रोमन नंबर में, 2A ऐसा दे रखा है। तो हमको ऐसा नहीं देखना है, हमको IUPAC नेम के हिसाब से देखना है, तो हम IUPAC के हिसाब से देख लेंगे। तो ये हो गया देखो ग्रुप नंबर 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ठीक है, ये लिखा है 4, ये लिखा है 5, ये लिखा है 6, ये लिखा है 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन दिस वन 18। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये 18 ग्रुप हो गए, 7 पीरियड हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब हम रो को क्या बोल रहे हैं, पीरियड बोल रहे हैं, जो एसएस से जा रहा है उसको पीरियड बोल रहे हैं, कॉलम को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप बोल रहे हैं। अब नाउ एक चीज में देखनी है, देखो जैसे कि आपका 1 और 2 जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बेसिकली क्या बोला जाता है, अभी आगे चलते हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ इस ग्रुप को जो बोला जाता है, ये 1 और 2 को, इसको कंबाइंडली बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ग्रुप ये जो अलग से ये दूसरा ब्लॉक है, इसको बोला जाता है 13 से लेके 18 तक, इसको बोला जाता है आपका बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है आपको, इसको मैं अभी बता देती हूँ, बाद में आपको फिर से एक और बार बता दूंगी, अभी लिख लो पी ब्लॉक एलिमेंट एंड इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो ये बॉक्स बचा इसको बोला जाता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हो या डी ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। अब जो नीचे ये जो लेंथनाइट है और ये जो एक्टिनाइट्स हैं, इनको बोला जाता है एफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हो, देखो क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट था, ये ट्रांजिशन एलिमेंट था, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है ये, तो इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, या फिर आप इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हो, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हो, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, इसको आपका बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इतना बेसिक जो इंट्रोडक्शन था, यहीं पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये बेसिकली हमारा पीरियोडिक टेबल के ऊपर लेक्चर था।